हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आई होप यू आर एंजॉयिंग T20 लाइव क्लासेस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एट 9 PM डेली। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ में हम आप लोगों के लिए एक T5 सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज के अंदर डेली आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक सीसेट पेपर 2 के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डेली प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी। तो स्टूडेंट्स, जो क्लासेस हैं ये हम आपको लाइव प्रोवाइड करने जा रहे थे, बट कोरोना वायरस की वजह से क्लासेज लाइव के बजाय हम आपको स्ट्रीम्ड क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इन क्लासेस का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपका कोई भी डाउट आता है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे क्या है कि हम आपके जो भी डाउट्स हैं उनको पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए डिस्कस कर रहे हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, दैट इज नंबर सिस्टम। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर हर साल 2018, 19, 17, 16 हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को बनते हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 2017 के अंदर आपके एग्जाम में आया था। क्या है? सर्टेन थ्री डिजिट नंबर हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल द थ्री डिजिट्स आर डिफरेंट। द नंबर इज डिविजिबल बाई 7। द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आपके साथ में कंसेप्ट डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है? तो आप ये बताइए कि मान लीजिए अपने पास में नंबर है, लाइक यहीं पे है आपके पास में नंबर है 17। ठीक है? तो आप 17 को कैसे लिखते हैं? तो 17 क्या हो गया आपके पास में? 10 + 7, इसी तरह से लिखते हो। मीन्स यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास में 2 डिजिट का नंबर है तो एक वंस प्लेस पे कोई ना कोई डिजिट होगा और एक टेंस प्लेस पे कोई डिजिट होगा। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक 2 डिजिट का नंबर है, एक वंस प्लेस पे डिजिट होगा, एक टेंस प्लेस पे, तो वो नंबर कैसे बनेगा? ठीक है? तो 10 × 10th डिजिट प्लस द डिजिट एट द वंस प्लेस। क्लियर है? इसी तरह से अगर 3 डिजिट का कोई नंबर है तो इसके अंदर देखिए 100 × 100th प्लेस डिजिट प्लस 10 × 10th प्लेस डिजिट प्लस द नंबर द डिजिट एट द वंस प्लेस। क्लियर है? फॉर एग्जांपल अपने पास 25 है। ठीक है? बोलने को हम बोलते हैं 25, बट 25 बनता कैसे है? 10 × 2 + 5, तो ये हो गया 20 + 5 = 25। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए, इसी तरह से आपके पास में जो भी आप डिजिट्स हैं, ये देखिए यहां पे जैसे 25 है आपका, ठीक है? तो 25 कैसे बना? 10 × 2। मैंने अभी बताया आपको, यहां पे देखिए ये क्या था, 10 × 10th प्लेस डिजिट। तो यहां पे 10th प्लेस पे क्या है आपके पास में? डिजिट 2 है। क्लियर है? तो इस 2 को यूज करते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, 10 × 2 + 5। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास में नंबर क्या बन के आ गया, 25। बस यही एक कंसेप्ट है जिसको आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपके पास में कोई दूसरा नंबर है 678, बोलने में हम 678 बोल रहे हैं, बट देखिए क्या है, 600 है। 600 मतलब 6 × 100। क्लियर? × 7 10 × 7 + 8, तो आपके पास में नंबर क्या बन के आ गया, 678। क्लियर है? यही कंसेप्ट आपका नंबर सिस्टम में मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर आप यूज करोगे। क्लियर? तो देखिए, अब हम अगेन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था? सर्टेन थ्री डिजिट नंबर हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल द थ्री डिजिट्स आर डिफरेंट। द नंबर इज डिविजिबल बाई 7। द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में तीन नंबर, एक नंबर जो है वो क्या है, XYZ। अब ये नंबर कैसे फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा? ये आपके पास में देखिए 100 प्लेस पे है, तो क्या करेंगे, 100 × x प्लस 10 प्लेस पे क्या है, वाई डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, 10 × y + z। क्लियर? तो ये आपका नंबर बनेगा। और जो नंबर है वो कह रहे हैं कि डिविजिबल बाय क्या है, 7 है। नंबर डिविजिबल बाय 7 है, दैट मींस इज इक्वल टू 7 है। डन। अब देखिए, इसी तरह से ऑन रिवर्सिंग, अगर हम नंबर को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास में नंबर क्या बनेगा, ये देखिए नंबर बनेगा आपके पास में ZYX। तो इससे जो नंबर फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म हुआ है, 100 × z + 10 × y + x।
क्लियर है? हाँ जी, देखिए ये आपके पास में दो इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन ये होगी आपके पास में, और सेकंड इक्वेशन आपके पास में ऑन रिवर्सिंग द नंबर हो गई है। अगर हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखिए इस 100 के अंदर से इस x को मैं माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा? 99। ठीक है, सेम वे यहां से जो 10 है, 10 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 100z माइनस 100z तो क्या आ जाएगा? 99z। क्लियर है? तो अब 99 क्या बन गया आपके पास में, एक तरह से ये हो गया आपके पास में, हां जी ये हो गया 99x माइनस 99z इज इक्वल टू, हाँ जी देखिए यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 7 into a minus b। क्लियर है? हाँ जी, ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको। अब हम ये मान लेते हैं कि जो a माइनस बी है ये भी कोई ना कोई कॉन्स्टेंट होगा, और यहां से हम 99 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बन के आ गई? इक्वेशन आपके पास में 99 into x माइनस z इज इक्वल टू 7n। लेट अस कंसीडर a माइनस बी इज इक्वल टू m बिकॉज दिस इज अगेन एनी कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे देखिए जो 99 है दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 7। क्लियर है? दैट मीन्स x माइनस z विल बी डिविजिबल बाय 7। क्लियर? अब x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 7, दैट मींस कि x माइनस जेड की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास में? 7 हो सकती है, 14 हो सकती है, 21 हो सकती है, बट x एंड जेड बोथ आर ए सिंगल डिजिट नंबर। सो तो जो नंबर है वो आपके पास में जो डिफरेंस है वो क्या होगा? सिंगल डिजिट का ही होगा, तो क्या होगा? 7 होगा। तो इससे देखिए x और z का अगर हम पेयर बनाते हैं कि कोई ऐसे दो डिजिट्स जिनको अगर हम माइनस करते तो आपके पास में 7 आए, तो वो कौन से बनते हैं? 92 and 81। क्लियर? अब ये देखिए जो नंबर विन से बनेंगे, नंबर क्या बन सकते हैं? 1881। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ जो वाई है, वाई की जगह पे भी कोई नंबर आएगा। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल आप यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो क्या नंबर आ सकता है। हाँ जी देखो, डिविजिबिलिटी रूल को अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे हम इसको जब डबल करेंगे तो यहाँ जो डिफरेंस से नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? या तो 7 का डिविजिबल होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में? देखिए 6 आ जाएगा। अब ऑन रिवर्सिंग भी नंबर डिविजिबल बाई 7 है, तो एक नंबर ये हो गया आपके पास में। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 29। अब यहाँ पे भी वही रूल होगा, तो देखो 18 इसका डबल हो गया 18। अब यहाँ पे हम एक ऐसा डिजिट लिखें कि जब 18 माइनस करें तो हमारे पास में 7 का मल्टीपल आना चाहिए। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे आप? ये आपका 5 आ जाएगा। हाँ जी देखिए, तो ये आपके पास में कितने नंबर बन गए? 4 नंबर बन गए। तो आपके पास में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी सच 3-डिजिट नंबर आर देयर? तो कितने नंबर हो गए आपके पास में? 4 नंबर्स हो गया। क्लियर है? हाँ जी, तो कितने नंबर हो गए? 4 नंबर्स हो गए। बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कब आया था? ये क्वेश्चन आपका सीसेट 2018 के अंदर देखा गया है। देखो कितना आसान क्वेश्चन, अगर हमें आता है, रूल पता है तो हम बड़ा ही इजीली कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो डॉट है, क्या दिखा हुआ है यहाँ पे? डॉट गिवन है, 1 डॉट 2 डॉट और ये हो गया डॉट 3 and डॉट 1 and 2 1 डॉट। तो क्वेश्चन क्या है? इन द अबव सम डॉट स्टैंड्स फॉर, डॉट की जगह पे क्या आएगा? यही कह रहा है। अब यहाँ पे देखो एक डॉट है, मीन्स डॉट की जगह पे कोई वेरिएबल ले लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लाइक हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास में क्या हो गया, मान लीजिए ये हो गया एक्स। क्लियर? प्लस अब यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास में? 1 डॉट। अब मैंने आपको बताया था अगर 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट के अंदर क्या करते हैं आप? जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस द वंस प्लेस डिजिट। तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या है? 1 है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हमारे पास में? 10। हाँ जी 10 हो जाएगा। प्लस जो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। एक्स किसके लिए लिख रही हूँ मैं? एक्स डॉट के लिए मेंशन कर रही हूँ। क्लियर है? सेम वे यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 डॉट। 2 डॉट मतलब कि 2 into 10 प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी? हाँ जी, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 20x प्लस एक्स।
क्लियर समझ आ रहा है आपको? इसी तरह से हम पूरे कंप्लीट नंबर को लिख सकते हैं। तो ये देखो आपके पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, इस तरह की इक्वेशन बन गई है, ये देखिए। क्लियर, अब इसको जब पूरे को सोल्व कर रहे हो तो यहाँ पे देखो आपके पास में वैल्यू क्या आ गया, 23x प्लस 34 इज इक्वल टू 210 प्लस x। जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। क्लियर, अब हमारे पास में क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो डॉट है, डॉट की जगह पे क्या आ जाना चाहिए, एक्स, और एक्स मतलब क्या आ जाना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। तो अब इसको हम सोल्व करके देखते हैं कि हाँ जी कि ये आपका ठीक है या नहीं है, क्योंकि क्रॉस चेकिंग तो हम करते ही हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास में ये जो नंबर है, इसको जब पूरे को आप लिखते हो तो देखो टोटल क्या बन रहा है आपका, 218 बन रहा है, दैट इज ए ट्रू इक्वेशन। सो आंसर क्या हो जाएगा, डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास में, 8 आ जाएगा। क्लियर गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका सी सेट पेपर टू के अंदर 2018 के अंदर आया था। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, देखो हम लाइव क्लासेस नहीं लगा पा रहे, रीजन बिंग की कोरोना की वजह से नहीं लगा पा रहे, सारा कुछ ऑफ है। आपके जो भी क्वेश्चन के अंदर डाउट्स आ रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सके। क्लियर है, हाँ जी। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है आपके पास में, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ थ्री डिजिट्स ऑफ विच द मिडल वन इज जीरो एंड देयर सम इज फोर, इफ द नंबर फॉर्मड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ बाय 198, देन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज। एक नंबर है, ठीक है जी, अब मान लेते हैं कि जो मेरा नंबर है वो क्या है आपके पास में, एक्स वाई है या फिर ए बी है। क्लियर है, अब क्वेश्चन क्या है कि जब हम उस नंबर को के जो डिजिट्स है उनको इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास में नंबर है 0 5, जब आप इसको इंटरचेंज कर रहे हो, ठीक है जी, तो नंबर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा आपके पास में, 100x प्लस y, और यहाँ पे क्या बनेगा, 100y प्लस x। अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे स्टेटमेंट को समझो आप, कह रहा इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, ठीक है, तो इससे एक नंबर बन रहा है आपका, और वो जो नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन क्या है आपका, इटसेल्फ 198। क्लियर है, तो अभी इसी इक्वेशन को आगे देखते हैं हम। नंबर जो है यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे ए बी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो अपने पास में नंबर है, पहले नंबर क्या है अपने पास में, ए 0 बी। क्लियर है, अब 0 उसने कहा है कि हाँ जी है, तो ये जो चीज है ये तो आपकी कैंसिल आउट होगी, ठीक है जी, हाँ जी, ये यहाँ पे इन्होंने जो नंबर है आपके पास में ये नंबर है, ठीक है। अब ए बी सी के अंदर से ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी सी ये नंबर है, अब उसने क्या कह दिया है कि जो बीच की जो मिडल डिजिट है वो क्या है, 0 है, 0 है, दैट मीन्स नंबर क्या हो गया आपके पास में, ये नंबर बन गया। क्लियर, अब इससे जो नंबर बना है तो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में, 100a। क्लियर, अब देखिए अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने से हमारे पास में जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, हाँ जी, जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगी, देखिए ये नंबर है। अब इससे जो नंबर है कैसे फॉर्म होगा, नंबर कैसे फॉर्म होगा आपको पता है, ये हो जाएगा आपके पास में 100c प्लस ए। और जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो हमारा नंबर इंटरचेंजिंग के बाद में बन रहा है, जो इंटरचेंजिंग के बाद में आपके पास में नंबर है, दैट इज मोर देन 198 ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, तो कितना ज्यादा है, 198, तो इसलिए अंदर इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, 198 ऐड कर देंगे, हाँ जी। क्लियर है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास में इस इक्वेशन के अंदर आपका गिवन है, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, ये जो है 100
ये देखिए, ये जो सी है, सी इधर आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 99C - 99A इज इक्वल टू 198। 99 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सी माइनस ए इज इक्वल टू 198। तो सी माइनस ए की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, 2 आ गई। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज इक्वल टू 2। अब दोबारा से एक बार मैं क्वेश्चन पे आ रही, क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद द मिडल 1 is 0 एंड देयर सम इज 4। अब यहाँ पे इसी तरह का क्वेश्चन जो है डाटा सफिशियंसी के अंदर भी आ सकता है आपके पास में कि हाँ जी बताइए कि इसके अंदर मान लीजिए एक स्टेटमेंट आपके पास में ये है, एक दूसरी स्टेटमेंट ये गिवन है, कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो सफिशियंट है। तो देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है, इस विदाउट दिस स्टेटमेंट भी हम इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ओनली बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट वी कैन सोल्व द क्वेश्चन। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का डिफरेंस कितना है आपके पास में, सॉरी जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। क्लियर? अभी हमने सोल्व किया, क्या है डिफरेंस, 2 है। क्लियर? हाँ जी, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सी सेट पेपर 2 2009 के अंदर पूछा गया था। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं 2018 और 19 के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपके 4 क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चन दैट मीन्स आपके 10 मार्क्स है। तो इसलिए नंबर सिस्टम को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 बी रिटर्न व्हाइल लिस्टिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000। अगर हम 1 से 1000 तक नंबर लिखते हैं तो उसके अंदर 5 कितने टाइम्स होएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में अगर हम 1 से लिखना शुरू करते हैं 1000 तक, क्लियर, तो यहां पे ये लगा लीजिए कि अपने पास में एक तरह से 3 डिजिट्स के जो नंबर है 999 तक जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई भी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे देखो ये आपके पास में हंड्रेड्स प्लेस है। अब हंड्रेड्स प्लेस पे 5 कितनी बार आ सकता है, हंड्रेड्स प्लेस पे देखो अब क्या लिख सकते हो आप, 500। ठीक है जी, 501, 502, 500 मींस 599 तक जा सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए अगर मैं लेती हूँ इस हंड्रेड्स प्लेस की बात करती हूँ तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ सकती है, देखिए 500 लिख सकते हो। ठीक है जी, 501 लिख सकते हो। कहां तक ले आएगी वैल्यूज आपकी अगर हंड्रेड्स प्लेस पे 5 की बात कर रही हूँ अभी मैं आपको साथ में, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 599 तक। 5, क्लियर है? अगर हंड्रेड्स प्लेस पे आपका 5 आता है तो कितने नंबर्स आपके बन गए, कितने टाइम्स आपका 5 यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, 100 टाइम्स मिल रहा है। कितनी बार आ गया आपके पास में, 100 टाइम्स। क्लियर है? अब हम बात करते हैं टेंस प्लेस की। ठीक है, अब यहाँ पे जब टेंस प्लेस की बात कर रहे हो तो हमारे पास में 5 टेंस प्लेस पे कैसे आ सकता है, like 50 हो गया, ठीक है जी, 51 हो गया, और कहाँ तक आपकी वैल्यूज जाएंगी, 59 तक। क्लियर? कितनी बार आया आपका 5, 10 टाइम्स है। मींस अगर 100 तक की रेंज आप देखते हो तो आपका 10 टाइम्स देखने को मिलता है। अगर हम अगली 100 की रेंज करते हैं तो ऐसे भी तो आ सकता है 150, देन 151। क्लियर है? कहां तक, 159 तक। मींस आपका अगली 100 की जो रेंज है उसके अंदर फिर 10 टाइम्स आएगा। और हमारे पास नंबर कहाँ तक है, 1 से लेके 1000 तक है। मींस 1000 की रेंज के अंदर आपका 5 जो है कितनी बार आ जाएगा, हाँ जी यहाँ पे 10 टाइम्स 100 की रेंज में है तो ये कितनी बार हो गया आपके पास में, 10 टाइम्स हो गया। तो 10 × 10 मींस 100 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास में, ये 100 टाइम्स आपकी वैल्यू बन जाएगी। क्लियर गाइज? तो अब देखिए उसके बाद में अगर हम वंस प्लेस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं वंस प्लेस पे, 5, 15 इसी तरह से वैल्यू बनेंगी, 5, ठीक है, 15, 25 इस तरह से लेके हम 95 तक लेके जाएंगे। तो अगर 100 तक की रेंज देखते हैं तो हमारा कितनी बार 5 देखने को मिल रहा है वंस प्लेस पे, 10 टाइम्स। क्लियर? और अगर हम 1000 की रेंज देखते हैं तो कितनी बार हो जाएगा, हाँ जी 100 टाइम्स। तो टोटल कितना हो गया आपके पास में, 300 हो गया। क्लियर?
कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह का क्वेश्चन में आपके पास में जो क्वेश्चन है यहाँ पे था कि 5 कितनी बार आएगा आपके पास में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 6 कितनी बार आएगा या 3 कितनी बार आएगा, तो हर बार ही इसी तरह से करना और टोटल क्या आएगा आपका, हर बार 300 ही आएगा। अगर आपका क्वेश्चन हो जाता है नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 6 विल बी रिटर्न व्हाइल लिस्टिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000, देन अगेन द आंसर विल बी 300। क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 2009 के अंदर सीसेट पेपर 2 के अंदर आया था। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए प्रिंटर नंबर द पेजेस ऑफ ए बुक स्टार्टिंग विद 1 एंड यूजेस 3089 डिजिट्स इन ऑल, हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव। देखिए क्या कह रहा है कि प्रिंटर है वो, देखो जो आपकी बुक है उसके अंदर पेज नंबर लिखा होता है। पेज नंबर कह रहा है कि क्या है आपका, 1 से शुरू हो रहे हैं नंबर्स, ठीक है जी, और आपके पास में 1 से नंबरिंग शुरू करके वो डिजिट्स बोल रहा है कि टोटल उसने कितनी डिजिट्स यूज करी है, 3089 डिजिट्स यूज करी है। क्लियर। पहले पॉइंट को समझिए क्वेश्चन क्या है। देखो अगर मान लो मैं पहले 1 डिजिट के नंबर देखती हूँ, 1 डिजिट के नंबर के कितने पेजेस होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही होंगे। अगर हम 1 डिजिट के देखते हैं तो 1 डिजिट के आपके पास में कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 9 हो गए। अब उसके बाद में क्या आएगा, पेज नंबर देखे, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 के बाद क्या आ जाएगा, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, फिर पेज नंबर 12, अप टू कहां तक जाएगा आपके पास में, 99 तक। तो ये टोटल कितने पेजेस हो गए, 10 से शुरू करके 99 तक अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में कितने पेजेस हो गए, 90 पेजेस हो गए। अब 90 पेजेस के अंदर डिजिट्स कितने यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक पेज के ऊपर 2 डिजिट्स यूज हो रहे हैं क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, तो कितने पेज आपके डिजिट्स यूज हो रही है इसके इसके अंदर, 90 into 2। हाँ जी, कंसेप्ट समझ आ गया। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास में जो फर्स्ट डिजिट के नंबर हैं वो 1 से 9 तक चलेंगे, मतलब कि एक पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 9 तक टोटल आपके 9 डिजिट्स यूज हो गए, क्लियर। उसके बाद में पेज नंबर 10 से लेके पेज नंबर 99 तक आपके पास में कितने, 90 पेजेस हो गए, और 90 पेजेस के अंदर आपके पास में डिजिट्स कितने यूज हुए, डिजिट्स कितने यूज हुए, 90 into 2। 2 क्यों, 2 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज हर एक नंबर के अंदर आपके दो दो डिजिट्स आ रहे हैं, तो अगर 90 पेजेस हैं तो आपके पास में कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। हाँ जी, क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो। अब देखिए इसी तरह से अगर मैं 3 डिजिट्स की बात करती हूँ तो मेरा जो नंबर है वो कहाँ से शुरू हो गया, सॉरी 100 से शुरू हो जाएगा, 100 से लेके मेरा कहाँ तक जाएगा नंबर, 1999 तक। क्लियर है। तो कितने हो गए ये अपने नंबर, 900 नंबर्स हो गए। अब 900 नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपका 100 से शुरू हो रहा है, तो 900 नंबर्स हैं तो डिजिट्स कितने यूज हो जाएंगे, 900 मल्टीप्लाई बाय आपका हो जाएगा 3। क्लियर है। अब यहाँ पे आपके पास में टोटल डिजिट्स 3 डिजिट्स तक के जो नंबर पेजेस हैं उसके अंदर कितनी यूज हो गई हैं, ये हो गया आपके पास में टोटल। क्लियर है। अब बात आ रही है कि उसने क्या कहा है कि उसने कितनी डिजिट्स यूज करी है, 3089 यूज करी, मतलब इसके बाद में क्या आ गए, 4 डिजिट्स नंबर पेजेस आ गए हैं, तो 4 डिजिट नंबर के कितने पेजेस हैं। क्लियर, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। तो अगर ये समझ में आ गया है तो देखिए आगे कि ये यहाँ पे आपके पास में कितने हो गए, 9 हो गए, 180 and 2700। अब हम 4 डिजिट के पेजेस देखते हैं तो हम इसको ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास में कितना बच गया, 200, मींस 200 डिजिट्स और यूज हो रही है आपके पास में। 200 डिजिट मींस कितने पेजेस, कितने पेजेस है, 4 डिजिट के पेजेस हैं, तो पेजेस कितने हो जाएंगे आपके पास में, 200 डिवाइडेड बाई 4, दैट मींस कि आपके पास में 50 पेजेस और हो जाएंगे। क्लियर। अब हमारे पास में पहले कितने पेजेस हम देख चुके हैं, 909, और प्लस कितने हो गए आपके पास में, 50 हो गए। क्लियर है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे आपके वो कितने हो गए आपके पास में, हाँ जी, प्लस ये हो गया आपके पास में 50, तो टोटल कितने हो गए, 149 पेजेस।
क्लियर है। तो बुक के अंदर कितने पेजेस हैं? 149 पेजेस है। आई होप आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि नंबर सिस्टम को और भी अच्छे से किया जाए और आपके हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा पाए, नंबर सिस्टम पे बेस्ड आपको और भी क्वेश्चंस दें, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जो उससे आप हमारे ONC पे जाइए, जो हमारा उसके अंदर क्या है, आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कल अगर आप नंबर सिस्टम करना चाहते हो तो आपको नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के अंदर जो नंबर सिस्टम पे क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो स्टडी नोट्स हैं वो भी आपके पास में अवेलेबल होंगे। इसके अलावा इसके ऊपर हमने जो वीडियोज है नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड, वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्शन में जाके आपको हमारे जो पेज है पेज के ऊपर जाना है, ONC पेज के ऊपर जाना है और वहाँ पे आप सारे की सारी डिटेल्स ले सकते हो। इसके साथ साथ में जो हमारा T20 का बैच चल रहा है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो स्टूडेंट्स जाइए डिस्क्रिप्शन में जाके अपने आप को रजिस्टर करिए, ताकि आपको और भी बाकी की फैसिलिटीज हम अवेलेबल करा सके। सो थैंक यू सो मच।